हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग में आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक चीज़ें हमने जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, एनर्जी के टाइप्स, हीट के बारे में, एंथैल्पी, वर्क, डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, शून्य नियम। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वह थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड कंसेप्ट, यानी कि तापीय साम्य के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वह है जीरोथ। जीरोथ लॉ हमें दिया था सर आर एच फॉलर के द्वारा। जीरोथ लॉ दिया गया था। जीरोथ लॉ के अंदर होता क्या है, इसकी जो इसका डेफिनेशन है, जो इसका स्टेटमेंट है वह है, इफ़ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी सेपरेटली, देन बॉडी ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। क्या कह रहा है ये, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। इधर देखिए, बॉडी ए है जो वह बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी आपस में तापीय साम्य में है। दूसरी चीज कह रहा है, बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, बॉडी सी और बी भी आपस में तापीय साम्य में। एक बात ये कह रहा है कि बॉडी ए और बी तापीय साम्य में है और बॉडी बी और सी तापीय साम्य में है सेपरेटली। जो यह एक वर्ड है सेपरेटली, यह है इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये दोनों बॉडी अलग अलग तापीय साम्य में है एक दूसरे के साथ, ए और बी अलग है, बी और सी अलग है। यदि यह कंडीशन फुलफिल होती है तो बॉडी ए और सी, जो बॉडी ए है वह सी के साथ तापीय साम्य में होगी। यह स्टेटमेंट कहता है जीरोथ लॉ कि बॉडी ए और बी तापीय साम्य में है तथा बॉडी बी व सी भी तापीय साम्य में है अलग अलग। मैं बार बार इस एक वर्ड पे जोर दे रहा हूँ, सेपरेटली या अलग अलग, यह स्टेटमेंट में अलग अलग तापीय साम्य में है। तो जो दो बॉडी जिन अलग अलग जो हैं ए और सी, वे भी तापीय साम्य में होगी। मान लीजिए तीन रूम है हमारे पास, ए रूम, बी रूम और सी रूम। ए और बी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, अलग अलग ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ जो इक्वेशंस लिखी हुई देखिए, टी ए इज इक्वल टू टी बी, टी बी इज इक्वल टू टी सी, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो टी ए बराबर टी सी आ जाएगा, यानी तीनों बॉडी तापीय साम्य में होगी। और जो कॉमन बॉडी होगी इनके बीच में वो एच ए रोल पे प्ले करेगी, किसका, थर्मोमीटर। जो कॉमन बॉडी होगी वो थर्मोमीटर का रोल प्ले करेगी। तो यह है कम्प्लीटली जीरोथ लॉ के बारे में। तो क्या कहता है जीरोथ लॉ, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी सेपरेटली, देन बॉडी ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच एंड अदर। तो ये था जीरोथ लॉ के बारे में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागति के प्रथम नियम के बाद। इसे हम लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और जूल लॉ भी कहते हैं। तो इसकी जो पहली डेफिनेशन जो इसके अंदर आती है वह होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रेदर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। वापस देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म,
इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट है, जो कि एक बार हम वापस से देखते हैं क्या है कि ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी स्टोर्ड, रेदर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। आप सब ने देखा ही होगा, हर जगह देखते आ रहे हैं इसको, ऊर्जा को हम न तो बना सकते हैं न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। कहीं भी देख लीजिए, जैसे कोई इक्विपमेंट देख लो, मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे कि कोई पंप देख लो, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर को देते हैं, उससे इंपेलर घूमता है और जो फ्लूड की प्रेशर एनर्जी को चेंज करता है, यानी कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो प्रेशर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं नष्ट नहीं हो रही है। बात कर ली इलेक्ट्रिक एनर्जी, मान लो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है, वहाँ कोल बर्न हो रहा है, यानी कि थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमेशा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय। सेकेंड चीज़ है कि हीट एंड वर्क आर प्रोपोर्शनल, हीट और वर्क आपस में समानुपाती होते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू, या डेल्टा डब्ल्यू इज टू जे डेल्टा क्यू, जे जूल कोफिशिएंट होता है, जूल्स लॉ के तहत। एक और डेफिनेशन है इसके बारे में, वह डेफिनेशन क्या है, फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस द नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ टी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्लू, ये लॉ ऑफ नेचर भी कहलाता है। वापस देखिए, फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस, एक क्लोज सिस्टम है, बंद चक्र है, बंद तंत्र है, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसकी एंड स्टेट व स्टार्ट स्टेट सेम हो, एक ही हो, जहाँ से प्रोसेस शुरू होगा लौट फिर करके वहीं आ जाएगा। आगे हम आईएस इंजन जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या ऑटो इंजन, डीजल इंजन सभी एक साइक्लिक प्रोसेस से होते हैं, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं उनका एंड स्टेट होती है। तो क्या है, फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस, एक बंद तंत्र जो कि चक्र से गुजरता है, साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, द नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन, उस साइक्लिक प्रोसेस में या उस बंद चक्र में जितना भी ऊष्मा का अंतरण हो रहा है, जितनी भी हीट कम्प्लीटली, जैसे चार प्रोसेस है किसी एक सिस्टम में, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार और चार से एक, तो मान लो कि एक से दो के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि एक से दो के अंदर हीट थी क्यू वन टू, दो से तीन में थी क्यू टू थ्री, तीन से चार में थी क्यू थ्री फोर और चार से एक में थी क्यू फोर, जो समेशन है यानी कि इनका साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब कि जो कंप्लीट नेट हीट इंट्रैक्शन है, ये प्लस एंड माइनस आपस में कुछ भी हो सकते हैं। ये मान लो कि पहले से एक से जो दो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है वन से टू, उसमें हीट सप्लाई टू द सिस्टम हो रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, दो से तीन में भी मान लो सप्लाई टू द सिस्टम हो रही है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तीन से चार में मान लिया हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रही है, तो हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो जाएगी तो वह नेगेटिव हो जाएगी। मान लो सिमिलरली क्यों फोर से वन में भी हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रही है तो वह भी नेगेटिव हो जाएगी। तो जो कंप्लीट इनका समेशन होगा हीट का, वह इक्वल होगा टू द नेट वर्क इंट्रैक्शन। इस साइक्लिक प्रोसेस में जितना वर्क इंट्रैक्शन होगा उसके समेशन के वह बराबर होगा। देखो मान लो वन से टू प्रोसेस के अंदर वन टू डब्ल्यू वन टू हो रहा है, टू से थ्री में डब्लू टू थ्री हो रहा है, थ्री से फोर में डब्लू थ्री फोर हो रहा है एंड फोर से वन में डब्लू फोर वन हो रहा है।
तो Q1 से 2 प्लस Q2 से 3 प्लस Q3 से 4 प्लस Q4 से 1 इज इक्वल टू W1 से 2 प्लस W2 से 3 प्लस W3 से 4 प्लस W4 से 1। तो नेट जो हीट का है, जो नेट हीट इंट्रैक्शन पूरे सिस्टम में इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये समेशन ऑफ Q12 प्लस Q23 प्लस Q34 प्लस Q41, ये किसके इक्वल होगा, नेट वर्क इंट्रैक्शन के, W1 से 2 प्लस W2 से 3 प्लस W3 से 4 प्लस W4 से 1। जैसा कि हीट के बारे में कहा था, हीट को इससे प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारा साइन कन्वेंशन, सिमिलरली वर्क भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एज पर साइन कन्वेंशन हो सकता है। यदि वर्क सिस्टम करेगा, इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम देन वर्क इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन सिस्टम देन इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वापस से एक बार देखिए, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस, एक बंद तंत्र में जो कि चक्र से गुजरता है, द नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन, उष्मा का चक्रीय समाकलन कार्य के चक्रीय समाकलन के तुल्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने सिस्टम के पूरे प्रोसेस, पूरे जो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन एक यदि हम सिर्फ एक प्रोसेस की बात करें, सिर्फ Q1 से 2, सिर्फ एक सिस्टम के लिए 1 से 2 के लिए बात करेंगे, तो वह क्या होता है, किसी भी एक प्रोसेस के लिए DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW के बराबर होता है। जो कंप्लीट सिस्टम का वर्क इंट्रैक्शन और हीट इंट्रैक्शन तो इज इक्वल टू होता है, पर एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो हीट इंट्रैक्शन वर्क इंट्रैक्शन प्लस इंटरनल एनर्जी के चेंज के समेशन के बराबर होता है, TQ इज इक्वल टू TU प्लस DW। अब हम PMM1 के बारे में बात करते हैं, परपेक्चुअल मोशन मशीन 1, प्रथम शाश्वत गति मशीन, ऐसी मशीन जो बिना ऊर्जा के कार्य करती है। तो PMM1 क्या होता है, इट इज impossible टू कंस्ट्रक्ट a डिवाइस विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक ऐसा डिवाइस बनाना संभव नहीं है जो लगातार कार्य करे बिना किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि बिना किसी भी हीट को काम में लिए। देखो, जैसे मानो ये एक डिवाइस है, यदि हम इसमें कोई भी एनर्जी हम इसको सप्लाई नहीं करें और ये वर्क प्रोड्यूस करती रहे, ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते, इस प्रकार की मशीन को हम नहीं बना सकते, तो यह प्रथम शाश्वत गति मशीन कहलाती है, ऐसी मशीन जो बिना ऊर्जा के कार्य करती है, परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन फर्स्ट काइंड की होती है, प्रथम शाश्वत गति मशीन। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्विक रिवाइज करते हैं इसको, हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था RH फोलर ने, यह थर्मल इक्विलिब्रियम पे काम करता है। इसके अनुसार इसका स्टेटमेंट, बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी सेपरेटली, देन बॉडी ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो यहाँ जो एक सेपरेटली टर्म्स है यह इम्पोर्टेंट है, और जो थर्ड बॉडी है वह प्ले करती है किसका रोल, थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे उष्मागतिकी का प्रथम नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जूल्स लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर भी ये कहलाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रेदर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जूल्स लॉ के हिसाब से इसको हम देखें तो ये कहता है, हीट एंड वर्क्स आर प्रोपोर्शनल, डेल्टा W इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Q, यह जूल्स लॉ का है। फिर फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस, द नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। एक प्रोसेस ड्रॉ किया हुआ है, एक साइकिल ड्रॉ किया हुआ है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, तो इस लॉ के हिसाब से क्या हुआ, Q
Q1 से 2 प्लस Q2 से 3 प्लस Q3 से 4 प्लस Q4 टू 1 इज इक्वल टू W1 टू 2 प्लस W2 टू 3 प्लस W3 टू 4 प्लस W4 टू 1। एंड प्रोसेस के बारे में फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं, हीट इंट्रैक्शन होता है समीशन ऑफ वर्क इंट्रैक्शन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू। और फर्स्ट परपेचुअल मोशन मशीन होती है ऐसी मशीन जो बिना ऊर्जा के कार्य करती है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसी मशीन बनाना संभव नहीं है जो बिना किसी भी एनर्जी कंज्यूम किए लगातार कार्य प्रदान कर सके। बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये यूनिट है, इसमें अब हमारा एक ही टॉपिक बचता है, वह है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।